सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि आप लोग कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, उस स्मार्टफोन में टोटल कितने एप्लीकेशन हैं और कितनी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि प्रीस्टॉल आई है जिनको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो और इन एप्लीकेशन को आप लोग यूज भी नहीं करते हो। और अगर आप लोग किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में से ऐसे ही कुछ सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको एकमात्र वो तरीका बताऊंगा जो कि आप लोग किसी भी स्मार्टफोन में अप्लाई कर सकते हो बिना रूट किए, बिना बूटलोडर अनलॉक किए और विद पीसी विदाउट पीसी दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को तो यार पहले ही लाइक कर दो और लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे और भी काफी सारे बातें हैं जैसे कि क्या फोन में यहाँ पे हमको उसके बाद में अपडेट मिलेंगे, क्या फोन यहाँ पे वारंटी में रहेगा और भी काफी सारी बातें। तो पहले हम लोग पीसी से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो आपके पीसी में एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, काफी आसान है। सारे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो एडीबी ड्राइवर है वो एक जिप फाइल है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप लोग इंस्टॉल करोगे तो 3 बार वाई 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 यहां पर टाइप करना है और उसके बाद सक्सेसफुली एडीबी ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद फोन को यूएसबी केबल की मदद से पीसी के साथ में कनेक्ट करना है, सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन के अंदर में जाना है, शाओमी का फोन है तो एमआईयूआई वर्जन पर 7 से 8 बार टाइप करना है और उसके बाद बैक आने के बाद में जाना है एडिशनल सेटिंग में जिसके बाद में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और यहां पर जाने के बाद में यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर देना है। शाओमी के अलावा कोई और दूसरा फोन है तो अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर वहां पर दिखेगा उसमें 7 से 8 बार टाइप करने के बाद में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जो कि बैक आने के बाद में या फिर एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में आपको दिख जाएगा। अब आपको जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है उसके ऐप इन्फो में जाइए, जैसे कि इस कंडीशन में एमआई क्रेडिट है और यहाँ पे आपको हर एक फ़ोन में उसका एपीके नेम या फिर पैकेज नेम दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो एपीके इंस्पेक्टर नाम की एक एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो और पैकेज नेम को आप लोग कॉपी कर सकते हो। अब आपको डिस्क्रिप्शन में पैकेज टूल दिया गया है जो कि एक जिप फाइल है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जैसे आप इसको ओपन करोगे और इस पाथ में लिखोगे जैसे ही CMD उसके बाद में एंटर करना है, एंटर करने के बाद में आपका कमांड पैनल ओपन हो जाएगा और इसके बाद में यहां पर आपको पहली कमांड लिखनी है ADB स्पेस डिवाइसेस और इसके बाद में एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में अगर आपका डिवाइस कनेक्ट है तो यहां पर आपको शो कर देगा। इसके बाद में जो दूसरी कमांड है वो है ADB स्पेस सील और जैसे आप लोग एंटर करोगे तो यहां पर एक डॉलर का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। और अब आपको जो कमांड लिखनी है वो है PM स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस .k स्पेस .user स्पेस 0 स्पेस और उस ऐप का पैकेज नेम यहां पर डालना है जिसको आपने अनइंस्टॉल करना है। तो मैंने इसको कॉपी करा है, मैं डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूं और अपने फोन में भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं सेटिंग अंदर में जाके ऐप के अंदर में जाके। और यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐप में, मैनेज ऐप में और टाइप करता हूँ MI क्रेडिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो ये एप्लीकेशन अभी यहाँ पे दिख रही है लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एप्लीकेशन यहाँ से सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर ये कारनामा आप लोग अपने मोबाइल से करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी एक और मोबाइल की जिसको एज ए PC हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे और इस फोन में ADB वाली इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने पहले फोन में USB केबल को लगाना है और दूसरे फोन में केबल का दूसरा हिस्सा OTG केबल की मदद से दूसरे फोन में आप लोगों ने लगाना है। और एक बात ध्यान में रखना, जिस फोन को हम लोग एज ए PC यूज कर रहे हैं USB A वाला पोर्ट ही उसी फोन में लगेगा और जैसे USB केबल लगेगी दोनों एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि दोनों फोन में ही USB डिबगिंग को आपको इनेबल करना है। अब अगर आपके दोनों फोन कनेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर पेज ओपन नहीं होता है मतलब आपके ये दोनों फोन कनेक्ट नहीं हुए हैं, इसके लिए आपको जो केबल है उसको निकालना लगाना दोबारा से यहां पर पड़ेगा और उसी कमांड को हम लोग यहां पे पेस्ट करेंगे जो कि सबसे लास्ट में हमने अपने पीसी में यहां पे पेस्ट करी थी यानी कि डाली थी। और जैसे हम लोग यहां पे इस एरो पे क्लिक करते हैं सक्सेस यहां पे लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहां से अनइंस्टॉल हो चुकी है। और अगर आप लोग यहां पे हुआवे का कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो पहले उसमें USB थ्रेडिंग को आपको इनेबल करना है इस कंडीशन में और उसके बाद में USB डिबगिंग को आपको इनेबल करना है। ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया ये पूरी तरह से सेफ है और इसके बाद आपके फोन में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। केवल एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल मत कर देना नहीं तो आपको कुछ यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद में मान लो कि आप लोगों ने फोन से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया लेकिन वो एप्लीकेशन दोबारा से आपको अपने फोन में चाहिए तो सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप लोग प्ले स्टोर में जाके उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि आपको जाना है अपने PC में बिल्कुल उसी
उसी जगह पे, और यहाँ पे इस बार आपको कमांड टाइप करनी है ADB स्पेस सील स्पेस CMD स्पेस पैकेज स्पेस इंस्टॉल डॉट एग्जिस और फिर स्पेस करके उस एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको डालना है और एंटर कर देना है, तो वो एप्लीकेशन वापस से आपके फोन में आ जाएगी। ये मेथड मैंने मोबाइल के साथ भी ट्राई करा लेकिन मोबाइल से अनइंस्टॉल की गई एप्लीकेशन वापस इंस्टॉल नहीं हुई। अब यार काफी सारे लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि ये तो वही बात होगा यार जैसे हम लोग एप्लीकेशन को अपने फोन से डिसेबल करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। देखो डिसेबल जैसे हम लोग अपने फोन से एप्लीकेशन को करते हैं ना, तो हमारे फोन के ऐप सेक्शन के अंदर में डिसेबल के अंदर में एप्लीकेशन शो करती है, ऊपर से हम लोग जाते हैं अगर प्ले स्टोर में तो उस एप्लीकेशन के आगे वहां पर डिसेबल लिखा हुआ आता है। जबकि इस मेथड से आप लोग एप्लीकेशन को रिमूव करोगे तो सबसे पहले तो फोन के अंदर में एप्लीकेशन कहीं भी नहीं दिखेगी, उसके बाद में प्ले स्टोर में जाओगे तो उसके आगे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि उस एप्लीकेशन को हम लोगों ने अपने हैंड से यहां पे अनइंस्टॉल कर दिया है, और इसके बाद में आपके फोन में जो OTA अपडेट है वो कंटिन्यू आते रहेंगे, आपका फोन वारंटी में रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कोई दिक्कत कोई परेशानी आपके फोन में नहीं आएगी जब तक आप लोग किसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। और इस चीज को यार आप लोग किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ में यूज कर सकते हो बिना रूट किए बिना बूटलोडर अनलॉक किए, केवल एक मात्र जो तरीका है वो मैंने आपको यहां पे बताया। और इसके बाद में Xiaomi का भी एक आता है ADB ड्राइवर, वहां पे भी कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने की, तो अगर Xiaomi यूजर हो तो इस चीज को भी आप लोग यहां पे ट्राई कर सकते हो। इस समय फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, साथ ही पहले बार आप लोग चैनल पर आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।